हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग विद राधिका में। तो आज मैं लेके आई हूँ घर पर बहुत ही आसानी से बनने वाली कुल्फ़ी की रेसिपी। तो गर्मियों का टाइम चल रहा है, कुल्फ़ी खाने का तो सभी का मन करता है। तो आज हम घर पर ही कुल्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसी मलाईदार दानेदार। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से मैंने घर पर कुल्फी बनाकर तैयार की है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कुल्फी की रेसिपी। मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध लिया है। दूध मैंने यहाँ पर फुल फैट वाला लिया है, जिससे हमारी कुल्फी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। जब तक हमारे दूध में उबाल आता है, हम दूध को चलाते रहेंगे ताकि हमारा ये दूध बर्तन में चिपके नहीं। तो दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ पर फुल क्रीम वाला दूध लिया है। दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। जो किनारों पर मलाई चिपकी हुई है, उसको भी हम दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे साइड से उतार कर। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध का कलर भी चेंज हो गया है। मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं हम। अब हम इसमें एक कटोरी चीनी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करें। बारीक कटे हुए काजू ऐड करेंगे, बारीक कटे हुए बादाम और इलायची पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध लिया है, इसमें आधा चम्मच कस्टर्ड मिक्स किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको दूध में ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं, इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब हम इसको कम फ्लेम पर इसी तरह पकाते रहेंगे और बीच बीच में चलाते रहें ताकि दूध चिपके नहीं। जब तक ये दूध आधा ना हो जाए, हम इसी तरह पकाते रहेंगे। इसी तरह हम दूध को मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध आधा हो चुका है, कुल्फी जमाने के लिए दूध तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और दूध को ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूध ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसकी कुल्फी जमाएंगे। तो इसको हम कोई भी एयर टाइट कंटेनर या कुल्हड़ में भी जमा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कटोरी और छोटा सा ये कंटेनर लिया है, जिसका मैं कुल्फी जमाने के लिए यूज कर रही हूँ। अब इसे हम फ्रीजर में रख देंगे। मैं इनको ओवरनाइट रख रही हूँ, आप चाहें तो 6 से 7 घंटे भी रख सकते हैं।
6 से 7 घंटे में भी कुल्फ़ी जमकर तैयार हो जाती है, तो इनको मैं फ्रीजर में रख दूंगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग बाहर निकाल लिया है, ये देखिए फ्रेंड्स कुल्फ़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। आप चाहे तो थोड़े गुनगुने पानी में भी डिप करके भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी इजीली तरीके से कुल्फी बाहर निकल कर आती है, एकदम मलाईदार कुल्फी बनकर तैयार हो गई है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि कितनी आसान रेसिपी है ये, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल मार्केट जैसी कुल्फी बनकर तैयार हुई है। तो लॉकडाउन का टाइम है, तो आप भी इसी तरीके से घर पर कुल्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कुल्फी बनाने की बहुत ही आसान विधि मैंने आपके साथ शेयर की है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर घर पर कुल्फी बनाकर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।